हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट साइन अ लोन एग्रीमेंट वर्थ $80 मिलियन विद द वर्ल्ड बैंक टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जल प्रबंधन में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हैं आपके उत्तराखंड, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्ल्ड बैंक के साथ $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि मुख्यमंत्री कौन है, राजधानी क्या है और गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं। कैपिटल है आपका शिमला और गवर्नर कौन हो जाएंगे? गवर्नर हैं आपका इसमें बांद्रू दत्तात्रेय। याद रखिए बांद्रू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट्स असेंबली हैज़ अप्रूव्ड अ बिल ऑन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। किस राज्य की विधानसभा ने अभी हाल ही में जाति वैधता प्रमाण पत्र पर एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो अभी ये मंजूरी दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है आपका? उद्धव ठाकरे। देखिए किसी भी राज्य का नाम आते ही आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री, राजधानी और उसके राज्यपाल कौन है। ऐसे ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना और NCP की मिलीजुली सरकार है। राजधानी सभी लोगों को पता होगी, मुंबई है। और राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेयर नोन एज तेंदुलकर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। घरेलू क्रिकेट के तेंदुलकर के रूप में जाने जाने वाले किस खिलाड़ी ने हाल ही में इस क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन हैं आपके अजिंक्य रहाणे, वसीम जाफर, सुबोध कांत, अमरेश सहाय। ऑप्शन नंबर बी आपके इसमें सही हो जाएगा। वसीम जाफर ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड सिप्री आर्म एक्सपोर्ट लिस्ट। सिप्री द्वारा जारी अभी शस्त्र निर्यात सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है आपका 23rd। अब इस क्वेश्चन में आपको कई सारे सवाल होंगे, ये सिप्री क्या है और ये आर्म्स एक्सपोर्ट लिस्ट जो है वो कौन कैसे जारी होती है। तो देखिए सिप्री जो है इसकी फुल फॉर्म है SIPRI। इसकी फुल फॉर्म आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी आपका 6 मई 1966 को। इसका काम है दुनिया के जितने भी देश हैं उनके पास हथियारों का जितना भर वेपन्स हैं उनकी निगरानी करता है स्टॉकहोम। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक है आपका 23rd शस्त्र निर्यात सूची में। अब देखिए ये शस्त्र निर्यात सूची पूछी है। अभी सिप्री ने एक और रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि किस देश के पास कितने न्यूक्लियर यानी कि परमाणु शक्ति में जो है कौन सा देश कितना आगे है। तो देखिए भारत की रैंकिंग यदि पूछी जाती है तो भारत की रैंकिंग यहाँ से 4th नंबर पर है। याद रखिएगा 4th नंबर पर है ऊपर से भारत की रैंकिंग, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, यदि कुछ जटिल क्वेश्चन बनता है कि सिप्री के फाउंडर कौन है, ठीक है। सिप्री के फाउंडर आपसे पूछा जा सकता है तो आपका आंसर होगा यहाँ पर डेन स्मिथ जो है सिप्री के फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर स्वीडन में है, सभी को पता होगा स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फोसिस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू डेवलप स्मार्ट सर्विस इन इंडिया। इन्फोसिस सभी जानते होंगे, इन्फोसिस एक दिग्गज IT कंपनी है। इन्फोसिस ने भारत में स्मार्ट सेवाओं को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी इन्फोसिस ने क्वालकॉम के साथ एक स्मार्ट सेवाओं को विकसित करने के लिए एक एमेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए
इन्फोसिस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि इसके CEO अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आपके साहिल पारेख चर्चित व्यक्ति है, साहिल पारेख इसके CEO हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बस IT क्षेत्र जहाँ पर है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्रीज पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट अलाउज टू प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री टू बी इन ऑफिस टिल 2036। किस देश की संसद ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जो उस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक कार्यकाल में रहने की अनुमति देता है? तो ये है आपका रूस। चाइना में क्या है, आजीवन राष्ट्रपति रहने का उन्होंने संविधान संशोधन किया है अभी। और रूस में क्या है, व्लादिमीर पुतिन आपके प्रेसिडेंट हैं, उनको 2036 तक वो अपने कार्यकाल पर बने रहेंगे, ऐसा उनके संविधान में संशोधन उन्होंने अभी किया है। अच्छा, बात रूस की है तो रूस के बारे में कुछ पता होना चाहिए। रूस की प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। अच्छा, रूस की करेंसी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रूस की करेंसी है आपका रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेशंस हेल्थ मिनिस्टर हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19। कोरोना वायरस के किस राष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का परीक्षण सकारात्मक रहा है? इटली, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? तो अभी हाल ही में UK के यानी कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री जब टेस्ट कराया तो उनका पॉजिटिव पाए गए हैं वो COVID-19 से। तो यहाँ पर UK ब्रिटेन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अच्छा, ब्रिटेन की बात चल रही है तो ब्रिटेन के बारे में 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के PM हैं, कौन है? बोरिस जॉनसन। ये इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके लिए। जो कि जितने भी कंट्री हैं, जितने भी नाम आते हैं आपके कंट्री के, उनके प्राइम मिनिस्टर कैपिटल कहाँ पर है और उनकी करेंसी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो UK के PM ने देखा बोरिस जॉनसन है। आप कैपिटल की बात करें तो लंदन कैपिटल है, और बात करें यहाँ पर करेंसी की तो यहाँ पर पाउंड करेंसी हो जाएगा। ठीक है, पाउंड करेंसी है UK की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विटनेस्ड द स्वेरिंग ऑफ 2 प्रेसिडेंट ऑन 10 मार्च 2020। 10 मार्च 2020 को किस देश के 2 राष्ट्रपतियों ने शपथ ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द रिचेस्ट मैन इन एशिया? निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा, लेकिन अनिल की जगह यहाँ पर मुकेश आपको होना चाहिए था, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। मुकेश अंबानी इसमें राइट आंसर होगा। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति और दुनिया के 6वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन? हाल ही में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ऊर्जा निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी अभय कुमार सिंह को NHPC के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इन्होंने किसका स्थान लिया है ये भी पूछा सकता है। तो उन्होंने रतीश कुमार का स्थान लिया है। अभी रतीश कुमार को इनके पद से हटाकर इन्हें अभय कुमार सिंह को यहाँ पर इनका मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेट यूनियन टेरेटरी हैज़ ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड सिनेमा हॉल्स टिल 31 मार्च इन वेक ऑफ कोरोना वायरस? देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन उसके लिए करा रहा हूँ ताकि, क्योंकि पेपर जो होगा आपका UP BEd का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 2 महीने पहले के, लगभग 3 महीने पहले के क्वेश्चन जो होगा पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या है, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिनेमा हॉल्स को और स्कूल्स को 31 मार्च तक बंद रखने का सबसे पहले इन्होंने कहा था। उसके बाद अब ये 31 अगस्त कहा है इन्होंने। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैप्पी आवर फॉर ऑटो रिक्शा? किस राज्य सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए खुश घंटे के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हर वर्ष मनाया जाता है, तो भी 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है, 23 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे हर वर्ष मनाया जाता है, 15 जुलाई को, 10 जुलाई को, 13 जुलाई को या फिर 12 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं, तो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बने हैं आपका हेमंग अमीन। अब बीसीसीआई के बारे में इम्पोर्टेंट टर्म है, ये भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। आगे इसका चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन इसके आपका सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, तो हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। ठीक है, याद रखिए मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन भारतीय हाल ही में वॉन कॉमन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं, एम चंद्रकला, जे कर्मपाल, के सिवन, वी चड्ढा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, के सिवन। जी हाँ, इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। अच्छा, इसरो की बात चल रही है तो इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है इसका आपका बेंगलोर में। तो इन्हीं को मिलेगा बॉर्न कॉमन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए के सिवन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।